गाइज वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइज आज के ब्लॉग में फाइनली मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ राउरकेला में आज पहली फ्लाइट जाने वाली है, जो कि फर्स्ट डे फर्स्ट फ्लाइट मैं लेने वाली हूँ राउरकेला टू भुवनेश्वर। एंड मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ एंड पापा भी हैं। एंड सबसे एक्साइटिंग वाला बात यह है कि मैं आज पापा को पहली बार फ्लाइट में लेके जा रही हूँ। मेरा तो आई गेस सेकेंड या थर्ड टाइम होगा, क्योंकि मैं झारसुगुड़ा टू रायपुर एक बार कॉलेज के लिए गई थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील हो रहा है कि डैड को साथ में लेके जा रही हूँ। एंड आप लोगों को क्राउड दिख रहा होगा एंड बहुत सारे लोग आए हैं क्योंकि और लाइक टू मच एक्साइटेड। देखते हैं अंदर जाके मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगी। एंड टिकट्स वगैरह ऑनलाइन हो गया था, वो भी डिटेल में बताऊंगी कैसे क्या बुक हुआ था, कितना क्या प्राइस हुआ था। तो चले चलते हैं अंदर। देख लो कितने सारे गाड़ी लगाए हैं और ये हमारा एयरपोर्ट का बाहर का कुछ सीन ऐसा है, देख लीजिए। और यहाँ पे लिखा हुआ राउरकेला एयरपोर्ट पापा, और ये सब भी पूरा कलर हो चुका है, देख लीजिए। सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम लोग एक्चुअली उधर से है ना, तो मैं प्रॉपरली आप लोगों को शूट नहीं कर पाए, बट आप लोग ये देख लो, बस इतना ही एरिया देख लो। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर वाला जो एरिया देख रहे हैं ना, ये है मतलब आप इधर से आएंगे तो इधर से आप इन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर सब गाड़ी वगैरह पार्क हुआ है, फिर आप लोग यहाँ पर उतरेंगे, देन यहाँ से एग्जिट का है। और आप उधर से भी आ सकते हैं, बहुत सारे एरिया है वहाँ पर गाड़ी वगैरह पार्क हुआ है। एंड वो भी एक बड़ा सा गेट बन रहा है एंट्रेंस, बट अभी तक रिपेयर नहीं हुआ है। एंड ये देख लो कितना ज़्यादा लोग खड़े हैं, क्योंकि न्यूज़ वाले भी आए हैं, बाकी लोगों का मीटिंग्स भी चल रहा है वहाँ पे, कुछ वेलकम वाला मीटिंग भी है। तो हम लोग अभी चलते हैं अंदर। चले भी चलते हैं। ये फ्लावर एंड बॉटल से वेलकम हो चुका है, टिकट्स दिखा के अभी लेंगे अंदर एंट्री करने के बाद। यहाँ पे आप लोगों का बैगेज का स्क्रीनिंग होगा, सो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे स्क्रीनिंग हो रहा है। जैसे आप लोग यहाँ पे एंटर करेंगे ना, ये था एंट्रेंस, यहाँ पे आप लोगों का बैग का स्क्रीनिंग होगा। फिर यहाँ पे सब लाइंस लगे हैं, यहाँ पे चेक इन काउंटर से अपना चेक इन काउंटर, आधार कार्ड दिखा के आपको चेक इन करना होगा यहाँ पे। तो चले भी चलते, मेरे को मेरा बोर्डिंग पासेस मिल चुका है, तो चले भी चलते हैं अंदर। यहाँ पे आप लोगों को वॉशरूम मिल जाएगा, अभी चलिए अंदर चलते हैं। तो चले भी चलते हैं अंदर, मेरा पासेस हो गया। हाँ तो देख लो पापा का चेक हो रहा है, मेरा तो यहाँ पे हो गया। यहाँ पे आप मेरा लगेज आके है, यहाँ से लाइक आप लोग जैसे अंदर आएंगे ना, आपको बैग पर्स फ़ोन सब कुछ यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। फिर वहाँ से अंदर आएंगे, यहाँ पे आपका चेक इन होगा, और अगर चेक होगा फिर वहाँ पे आप लोग, यहाँ पे ये है वेटिंग हॉल, ये देख लीजिए सब लोग बैठे हैं, तो आपको भी यहाँ पे बैठना है। बस हम लोगों को टिकट मिल गया है और अभी हम लोग बैठ के वेट कर रहे हैं। ये सब टाइम होगा तो हम लोग जाएंगे उधर। और फ्लाइट थोड़ा सा डिले चल रहा था एंड लाइक मेरे हिसाब से नहीं, काफ़ी थोड़ा सा स्मॉल एरिया है, ठीक है ना, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग आ जाएंगे ना, रश हो जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। लाइक बाकी का झारसुगुड़ा और भुवनेश्वर का एयरपोर्ट थोड़ा सा बड़ा था, तो ठीक है, न्यू है, धीरे धीरे अपडेट होगा। तो अभी वेट करते हैं एंड फाइनली पापा को लेके जाएंगे, तब पापा को फ्लाइट में बिठा के पूछूंगी उनको कैसा लगा एक्सपीरियंस। तेरा एयरपोर्ट का वॉशरूम, ठीक है ना, यहाँ पे लेडीज उस साइड है जेंट्स। पापा केमती लग जाए जी फर्स्ट डे फर्स्ट फ्लाइट जी, वो आगरू के जाइ छ फ्लाइट रे? ना ना तो फर्स्ट टाइम। सो हाउ इज एक्सपीरियंस? हां ठीक है जी, बढ़िया लागु जी। आपको ठीक है? डर डर लागु जी? ना ना नर्वस लागु नहीं, ठीक है तो लागु तो ना नहीं गुडे लागु छी सेमती आउ गुडे अलगा माहौल लागु छी आउ। हां बाकी एनी माने कोन कोन बाकी फ्लाइट असला देखा जीवा केमती लागु छी ना। हां तो वेलकम तो बढ़िया था ना, फ्लावर देखना, फ्लावर चॉकलेट और पानी बोतल ना। सो गाइस मैं को थोड़ा दूर से मैं आप लोगों के लिए जूम करके शूट की हूँ। ये जो पानी डाला जा रहा था वो फ्लाइट का वेलकम के लिए, उसको रेस्पेक्ट के लिए ये पानी ऊपर से स्प्रे किया जा रहा था। हाँ मतलब
अरे सुब्रत दासिनी आगे 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 सर बैठ जाओ भाई जिंदाबाद ताकि हो गई थैंक यू। फाइनली अभी हम लोग जाने वाले अंदर, ये देख लो बाहर से निकलते आपको ऐसे कुछ नजारा मिलेगा, और अभी वो लोग सब अंदर है। तो अभी ये बस से अपने को जाना है फ्लाइट के पास, ठीक है चलिए चलते हैं। और ये रनवे, ओ भाई ये पापा आ रहे हैं अंदर, ये देख लो। ओ भाई साहब फाइनली हमारे राउकला में फ्लाइट चलना स्टार्ट होती है, इट्स अ ग्रेट मोमेंट। अभी फाइनली हम लोग बस में बैठ चुके हैं टिकट के साथ, अभी जाएंगे फ्लाइट के पास, ठीक है फिर होगा टिकट। एंड ऑब्वियसली इट्स अ प्राउड मोमेंट अगेन, क्योंकि पापा को मैं पहली बार साथ लेके जा रही हूँ, ठीक है आने दीजिए पापा के। और एक बात मैं बता दूँ जो टिकट के बारे में आपको बताना होगा, एक्चुअली ये देख लो डिटेल्स, थोड़ा सा ना टिकट का डिटेल्स दे दूँ। ये देखो इकोनॉमिक क्लासेस का टिकट है और 7 जनवरी का था, फ्लाइट नंबर ये है 99746। एंड ये जो टिकट जो है ना ये एलियंस एयर का है, ये था डिटेल्स। एंड ये टिकट जो है मैं ऑनलाइन बुक की थी। हाय सर, हाय सर, हाउ इज द जोश, सब रेडी है फ्लाई करने के लिए? सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं प्लेन के पास, देख लीजिए टर्मिनल बिल्डिंग, अभी हम लोग जाएंगे सीधा वहाँ पे। फ्लाइट बस अभी हम लोग उसके पास जा ही रहे हैं, मैं आप लोगों को पूरा रूट कवर करके दिखा रही हूँ। ये है वहाँ रनवे, तो इधर से जाके फिर अभी ये राइट टर्न होगा, वो जैसे आगे वहाँ पे जीप जा रहा है ना उसके पीछे पीछे हम लोग लाइक फॉलो करके जा रहे हैं रूट। हम लोग 5 का इकट्ठा करवाया था कि चलिए फाइनली फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं प्लेन के पास, ये देख लीजिए ये एयरलाइंस का फ्लैग। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी जाएंगे अंदर, ठीक है ना, टू मच एक्साइटमेंट। और ये 72 सीटेड वाला है, तो अंदर जाके देखते हैं कितना क्या मजा आने वाला है। एंड ये देख लो कितना आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देख लीजिए अभी पैसेंजर लोग ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना, ये पूरा फ्लाइट का व्यू। ये बस से हम लोग अभी उतरे, ये पापा खड़े हैं, सब लोग जा रहे हैं अंदर। ये पिकनिक स्पॉट बन गया है अभी। चल 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 चल। 11 ये तो हो गया। सर नेक्स्ट टाइम का कोई फोटोग्राफी नो तुम दिनो आराम से करो। नंबर 3 39 कोरोना पानी जेवियर 40 14 8 हमारे 10 ना, तो कैसे देख लो फाइट फ्लाइट का अंदर का एंट्रेंस कुछ ऐसा है। हेलो अंकल ये देख लीजिए, चलिए हम लोग मैं और बाबा फ्लाइट पे बैठ गए हैं। बाबा देखो कैसा लग रहा है अभी, ऐसे धक-धक हो रहा है। सो गाइस मैं बैठी हूँ विंडो के साइड में और आप लोगों को दिखाती हूँ इधर के अंदर। टू सीटेड वाला लेफ्ट साइड भी 2 सीटेड है एंड राइट साइड भी 2 सीटेड है। और ये था विंडो,
गुड आफ्टरनून और यहाँ पे आप फूड अपना रख के जा सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को डिटेल्स दिया गया है। सो यहाँ गाइस फाइनली हमारा फ्लाइट जो स्टार्ट हो चुका है, बस अभी चलने वाला है। फर्स्ट फ्लाइट राउरकेला टू भुवनेश्वर चल पड़ी है, अभी मजा आएगा। देख लो राउरकेला का पूरा ऊपर से दिख रहा है, नदी एरिया सब कुछ दिख रहा है। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जितना पॉसिबल हो रहा है विंडो से। ये देख लो रूट, बाबा देखो रोड भी दिखा जी। हम लोग सेफली लाइक बहुत इंजॉय किए। लाइक अभी मैं वीडियो में तो आप लोगों को क्या ही बताऊँ, यहाँ पे ना मिरर लगा था, प्रॉपरली व्यू मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई। बाकी मेरा तो एक्सपीरियंस पहले से था, पापा को भी काफ़ी अच्छा लगा। मैं उनको पूछी कुछ अजीब सा लग रहा था तो वो बोले कि नहीं ठीक था। बस अभी फ्लाइट लैंड करने वाला, लैंड किया नहीं है, लैंडिंग होगा अभी धीरे धीरे। उतर के फिर मैं आप लोगों को भुवनेश्वर का एयरपोर्ट का भी थोड़ा बहुत दिखा दूंगी कि वहाँ पे कैसा क्या है, दैट का आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ नॉलेज मिल जाए। बस सेफ रहा हमारा जर्नी, काफ़ी अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। बस ऐसा ही यही विश रहेगा कि राउरकेला से जो भुवनेश्वर तक का जो फ्लाइट है वो रेगुलर रहे। ये रहा बस, अभी जैसे जाएंगे और हम लोग फाइनली लैंड कर चुके हैं भुवनेश्वर के एयरपोर्ट पे। अभी बस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। ये रहा इंडिगो का फ्लाइट। से हाय अंकल, हाय। कैसा रहा फ्लाइट? बहुत अच्छा, बढ़िया था। लैंडिंग हुआ, अच्छा मजा आया ना? मजा आया, लेकिन राउरकेला से फर्स्ट फ्लाइट हुआ तो मजा आया। ये गौरव की बात है, गर्व की बात है। भुवनेश्वर में एयर एशिया है, एयर इंडिया है, ये इंडिगो का फ्लाइट है और फिर और एक किस तरह का गया। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, चले जाएंगे हम लोग कब और हमारा फ्लाइट। देख लो भुवनेश्वर का एयरपोर्ट, अंदर से मैं आप लोग को जाके दिखाऊंगी। एंड ये रहा एंट्रेंस, डोमेस्टिक अराइवल लिखा हुआ है कि हम लोग एक सुबह से उतरे अभी तो चले भी चलते हैं। फाइनली हम लोग भुवनेश्वर पहुँच चुके हैं एंड ये रहा भुवनेश्वर का एयरपोर्ट। मैं ये भी आप लोगों को पूरा दिखा दूंगी जितना हो पाएगा मेरे से, बस बने रही ब्लॉग में। यहाँ पे बैगेज है, एग्जिस्ट है, रिजर्व लाउंज है, टॉयलेट वॉशरूम इधर है। जितने लोग भुवनेश्वर आते हैं यहाँ पे आप लोगों को कॉफ़ी पीने के लिए ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाएंगे। देख लो आसन तो रो बाबा संगे जीवा। चलो छोटे देखे वाला लगेज, इसलिए देख लो भुवनेश्वर का एयरपोर्ट। ए टू भी नहीं है वो। हेलो, यहाँ पे मैंने सुना है 1, 2, 3 लगेज काउंटर। यहाँ से मतलब जैसे रोटेशन में आपका लगेज जाता रहता है। हाँ बेटा रोटेट है कि बुलुत है, तो यहाँ पे गाइस ये रोटेशन पे है और आप अपना लगेज लेके चूज करके ले। देख लीजिए हॉकी के लिए यहाँ पे सेल्फी बूथ भी बनाया गया है। एंड यहाँ पे है एग्जिस्ट, यहाँ से हम लोग बाहर जाएंगे अभी।
जेरा भुवनेश्वर एयरपोर्ट का कुछ बाहर का व्यू। यहाँ पे अराइवल्स जो लोग एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे बसेस लगे हैं जाने आने के लिए, प्लेयर्स के लिए, हॉकी के लिए स्पेशली इतना ज्यादा भीड़ है। ये था डिटेल ब्लॉग अबाउट राउरकेला एयरपोर्ट का, जो कि राउरकेला से भुवनेश्वर फर्स्ट डे फर्स्ट फ्लाइट में आई थी और मैं अभी पापा के साथ बैठी हूँ स्टारबक्स में। एक्चुअली ये मेरे पेरेंट्स के लिए एक छोटा सा गिफ्ट था। एक्चुअली मैं आने वाली तो वैसा नहीं थी, थोड़ा बहुत काम था, बट मैं सोची कि चलो जब फर्स्ट डे फर्स्ट फ्लाइट चली लाया है, मेरे को बहुत ज्यादा मन था कि मैं अपने पेरेंट्स को फ्लाइट में लेके जाऊँ। इट्स अ स्मॉल बकेट लिस्ट ऑफ माइंड, तो इसलिए मैं लेके आई। मम्मा का थोड़ा तबियत खराब इसलिए वो नहीं आई, पापा और मैं आए। एंड रील भी आएगा मेक फ्लाइट का एंड पापा। आज मेरा 30K भी कंप्लीट हो चुका है, शायद जब तक वीडियो जाएगा और सब्सक्राइबर बढ़ गए होंगे। ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, सपोर्ट करते रहो। जस्ट भुवनेश्वर पहुंची एंड 30K कंप्लीट हुआ, तो पापा को मेरी तरफ से स्टारबक्स का पार्टी। मैं बैठ के वीडियो एडिट करी थी, मैं आउटो शूट करना भूल गई थी, तो अभी आउटो शूट कर रही हूँ, देन वीडियो अपलोड होगा। तो चलिए गाइस, आज के ब्लॉग में एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।